देवास में शिवसेना ने शराब की दुकानों द्वारा एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने की शिकायत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के सामने की। जनसुनवाई के दौरान शिवसेना के प्रतिनिधियों ने शराब की बोतलें, बिल, रसीद और तस्वीरें पेश कर आरोप लगाया कि शराब की दुकानों पर अवैध वसूली की जा रही है। कलेक्टर ने इस मामले की जाँच के लिए आबकारी विभाग को आदेश दिए हैं। शिवसेना के जिला अध्यक्ष श्यामल वर्मा ने बताया कि कई शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है इन दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे प्रदर्शन करेंगे।